हेलो जी कैसे हैं आप सब होप यू आर डूइंग वेल तो आज की इस वीडियो में जो है हम सपोर्ट वेक्टर मशीन को डिस्कस करेंगे सो सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है ये बेसिकली आपकी एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसको जो है हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं अब जो हमारी सपोर्ट वेक्टर मशीन है इससे हम अचीव क्या करना चाहते हैं हमने बहुत सारी रिग्रेशन की एल्गोरिदम्स भी डिस्कस की क्लासिफिकेशन की एल्गोरिदम्स भी डिस्कस की बट ऐसा क्या है इस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो हमारी जो एस वी एम है ये बेसिकली हमारे लिए एक बेस्ट लाइन या जिसे हम डिसीज़न बाउंड्री भी बोलते हैं वो क्रिएट करती है अब हमारी रिक्रेशन और क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स में जो है हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स होते हैं हमें उन्हें क्लासिफाई करना होता है यानी कि जो हमारे पास डेटा सेट हमें गिवन होगा उसके अंदर से हमें जो सिमिलर पैटर्न्स के डेटा पॉइंट है, उनकी एक क्लास बना देनी है और उन क्लासेस को जो है हमें एक कम्प्लीट डेटा सेट में से किसी नए आइटम के लिए क्लासीफाई करना है वो लाइन या वो डिसीज़न बाउंड्री जो उन दोनों क्लासेस को सेपरेट करेगी सेग्रीगेट करेगी या मैं बोल सकता हूँ डिफ्रेंशिएट करेगी उस लाइन को हमें ड्रॉ करने के लिए हमारी एस वी एम एल्गोरिदम की ज़रूरत होती है दैट इज़ सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम की नीड होती है अब ये जो बेस्ट लाइन डिसीज़न बाउंड्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसे जो है हम टेक्निकल टर्म में हाइपर प्लेन के नाम से जानते हैं तो जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया ये बेसिकली एल्गोरिदम है क्या इसे हम क्या अचीव करना चाहते हैं बट यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ जो है कि ये जो हमारी एल्गोरिदम है ये बेसिकली सेग्रीगेट कर देती है हमारे एन डायमेंशनल स्पेस को क्लासेस के अंदर अब हाइपर प्लेन के साथ साथ जो दूसरी टेक्निकल टर्म सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर हमें याद रखनी है वो है हमारी यहाँ पे एन डायमेंशनल स्पेस एन डायमेंशनल डायमेंशनल की बात आ जाए तो आपको सिंपली माइंड में एक चीज़ ट्राई करनी चाहिए बहुत ही बेसिक टर्म है वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल यानी कि वन डी टू डी थ्री डी स्पेस जो बचपन से अब तक हम पढ़ते आए हैं उसी से रिलेटेड हमारी ये टर्म होने वाली है अब एस वी एम जो है एक्सट्रीम पॉइंट्स या फिर टेक्निकल टर्म्स में वेक्टर और लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो डेटा पॉइंट्स यानी कि जो हमारे डेटा सेट होता है जिसके ऊपर हम एस वी एम को इम्प्लीमेंट करते हैं उसके अंदर जो हमारे डेटा होता है वेरिएबल होता है फीचर्स होते हैं उनको जो है एस यानी कि हमारी एल्गोरिदम चूज करती है और हाइपर प्लेन उन डेटा पॉइंट्स की हेल्प से क्रिएट करती है अब ये जो एक्सट्रीम केस एक्सट्रीम पॉइंट वेक्टर, डेटा पॉइंट इन सब की मैं बात कर रहा हूं इन सबको टेक्निकल टर्म में हम बोलेंगे सपोर्ट वेक्टर। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे जो हमारी मशीन लर्निंग है कंप्लीट मशीन लर्निंग उसके टॉपिक के नेम में उसके सब्जेक्ट के नेम में ही जो है आपके सारे आंसर छिपे होते हैं अब बात करते हैं एस वी की तो कुछ एप्लीकेशंस है जैसे कि फेस डिटेक्शन इमेज क्लासिफिकेशन टेक्स्ट कैटेगराइजेशन यानी कि इन सभी के लिए जो है हम हमारी सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं अब यहाँ पे इस डायग्राम की हेल्प से आपको मैं कंप्लीटली क्लियर करूंगा कि जो हमारा बेसिक ओवरव्यू है एस का वो है क्या अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास दो क्लासेस है यानी कि जो हमारा डेटा सेट है उस डेटा सेट के अंदर हमारे जो डेटा पॉइंट्स है वो दो क्लास के अंदर है बट हमारे डेटा सेट के अंदर वो सारे जो हमारे डेटा पॉइंट्स है फीचर्स है वो मिक्सअप है बट जब हमने एस वी कर दिया तो इस तरीके से हमारे पास एक ग्राफ जनरेट होके आएगा और उसके अंदर जो हमारे डेटा पॉइंट्स आप देखेंगे जो ग्रीन कलर के सर्कुलर डेटा पॉइंट्स है ये हमारी एक डिफरेंट क्लास है और ये जो डायमंड ब्लू कलर के बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ये हमारी एक डिफरेंट क्लास है तो उस डेटा सेट के अंदर हमारी दो डिफरेंट क्लासेस थी जिसको हमने क्या कर दिया एस की हेल्प से सेपरेट कर दिया और जो हमारा गोल था एस को अचीव करने का वो था एक हाइपर प्लेन जनरेट करना यानी कि बेस्ट लाइन डिसीजन बाउंड्री जनरेट करना अभी डिसीज़न बाउंड्री करती क्या है जब भी हम कोई नया डेटा पॉइंट यहाँ पे हमारी मशीन को देंगे तो उस टाइम क्या होगा ये डिसीजन बाउंड्री हमें हेल्प करेगी कि हमारा जो नया डेटा पॉइंट है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है ये जो सेंटर में आप लाइन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं हाइपर प्लेन और ये जो हाइपर प्लेन है ये जो है हमारा क्या होता है मैक्सिमम मार्जिन के साथ जनरेट होता है अब एक टेक्निकल टर्म हमने बात करी थी स्टार्टिंग में हाइपर प्लेन की बट हाइपर प्लेन का जो हमारा एक मेन मोटो है कि हाइपर प्लेन कैसे जनरेट होगा तो वो जनरेट होगा हमारा मैक्सिमम मार्जिन से यानी कि जो हमारी दो डिफरेंट क्लासेस हैं हमारे डेटा सेट के अंदर उनके जो नियरेस्ट वेक्टर होंगे अब नियरेस्ट वेक्टर हमें कैसे पता चलेंगे तो इस हाइपर प्लेन के पास जो है हम दो और हाइपर प्लेन जनरेट करते हैं जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं राइट साइड में इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव हाइपर प्लेन और लेफ्ट साइड में जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं नेगेटिव हाइपर प्लेन तो नेगेटिव हाइपर प्लेन और पॉजिटिव हाइपर प्लेन के नियरेस्ट जो भी डेटा पॉइंट्स होंगे उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा यानी कि पॉजिटिव हाइपर प्लेन और नेगेटिव हाइपर प्लेन के दोनों का जो बीच का डिफरेंस होगा उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिन तो ये जो है वो सारी टेक्निकल फीचर्स हैं टेक्निकल टर्म्स हैं टेक्निकल आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं आस्पेक्ट्स हैं जो कि हमारे एस के अंदर यूज़ होते हैं अब थोड़ा सा इसकी फंक्शनिंग समझते हैं कि किस तरीके से जब हम इसको मशीन लर्निंग एल्गोइम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये किस तरीके से काम करती है तो सबसे पहले जो है हम पास्ट लेबल डेटा यानी कि एक लेबल्ड डेटा के साथ अब सुपरवाइज लर्निंग की बात कर रहे हैं तो लेबल डेटा का यूज़ होगा अब जैसे ही हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता है फिर हम क्या करते हैं प्रडिक्शन वाले स्टेप पे जाते हैं प्रिडिक्शन वाले स्टेप में क्या होगा हम एक नया डेटा यानी कि एक नया इनपुट जो है हम हमारी मशीन को प्रोवाइड करेंगे और उस नए डेटा की प्रिडिक्शन जो है हमें हमारी मशीन हमारी एस वी एल्गोरिदम करके देगी अब एस वी एम की हमने बात कर ली अब यहाँ पे एस वी एम के अंदर जो है अगर हम वो डीपली थोड़ा डाइव करते हैं तो कुछ एस वी एम के टाइप्स होते हैं पहला टाइप होता है लीनियर एस वी एम कि लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब जो हमारा डेटा है वो लीनियरली सेपरेबल होगा डेटा लीनियर सेपरेबल होने का मीनिंग है कि वो डेटा सेट जिसके अंदर जो हमारी क्लासेस होती हैं वो सिर्फ दो क्लासेस होंगी जैसे अभी प्रीवियसली अगर आपने यहाँ पे एक इमेज देखी तो यहाँ पे क्या थी दो क्लासेस थी सिर्फ एक ग्रीन कलर की सर्कुलर क्लास और एक ब्लू कलर की आपकी डायमंड बॉक्सेस तो इस तरीके से ये जो दो क्लासेस हैं आपकी अगर हम उनको सिंगल स्ट्रेट लाइन से सेपरेट कर सकते हैं तो वहाँ पे जो हम लीनियर एस का यूज़ करते हैं या आप बोल सकते हैं वो कैटेगरी होती है हमारी लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन की अब जो डेटा हमारा लीनियरली सेपरेबल है और जिसे हम क्लासिफाई कर रहे हैं थ्रू ए सिंगल स्ट्रेट लाइन उस क्लासीफायर का हमारा टेक्निकल टर्म्स में एक बेसिक सा नाम है लीनियर एस क्लासिफायर इस इमेज में आप देख सकते हैं सिर्फ हमारे पास दो क्लासेस हैं और इनको जो हम क्या कर सकते हैं सिंगल लाइन से जो है हम यहाँ पे इसको सेपरेट कर सकते हैं अब यहाँ पे दो लाइन देख रहे हैं आप अब ये दो लाइन यानी कि हमारे हाइपर प्लेन यहाँ पे दो जनरेट हो रहे हैं तो आपके हाइपर प्लेन कितने भी जनरेट हो सकते हैं ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर पे कि आप कितने हाइपर प्लेन जनरेट करना चाहते हैं बट जो हमारा ओवरऑल मोटो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो सिर्फ हमारी दो क्लासेस है और किसी भी एक सिंगल लाइन से जो है हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं या जो है हमारा एक सिंगल हाइपर प्लेन ड्रो हो सकता है अब इसी के अपोजिट हमारा सेकेंड एस वी एम का टाइप है नॉन लीनियर एस वी एम कि जब हमारे पास डेटा नॉन लीनियरली होगा तब हम नॉन लीनियर एस वी एम का यूज़ करेंगे और नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा का मीनिंग है वो डेटा सेट जिसको जो है हम एक स्ट्रेट लाइन से क्लासीफाई नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा और जो क्लासीफायर यानी कि जो हमें क्लासीफाई करके देता है कि हमारा नॉन लीनियर डेटा भी जो है कौन सी क्लास से बिलोंग करता है उस क्लासीफायर का नेम यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉन लीनियर एस वी एम क्लासीफायर अब आप देखेंगे जो हमारे डेटा पॉइंट्स है जो हमारे एक्सट्रीम केसेस हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते क्यों सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज जो हमारे डेटा पॉइंट्स है वो कुछ इस तरीके से हमारे इस ग्राफ में अवेलेबल है कि इसके अंदर बहुत सारी जो है आपकी क्या बन सकती है हाइपर प्लेन जनरेट हो सकते हैं बट हम अगर सिंगल स्ट्रेट लाइन से हमारे हाइपर प्लेन को सेग्रीगेट या फिर क्रिएट नहीं कर सकते तब हम कौन सा एस का यूज़ करते हैं नॉन लीनियर एस जो कि आपकी यहाँ पे चीज़ मेंशन है इफ़ अ डेटा सेट कैन नॉट बी क्लासिफाइड बाय यूजिंग अ सिंगल स्ट्रेट लाइन यानी कि सिंगल स्ट्रेट लाइन अगर होगी हमारे हाइपर प्लेन की तो हम उसे बोल सकते हैं लीनियर एस और अगर मल्टीपल टाइप के हमारे हाइपर प्लेन ड्रॉ होंगे तो वो हमारा कहलाएगा नॉन लीनियर एस तो एस के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म है कर्नल जो कि आपको हेल्प करती है हाइपर प्लेन ड्रॉ करने में उसके बारे में अब थोड़ा समझते हैं अब कर्नल बेसिकली आपका एक फंक्शन होता है या फिर आप इसे बोल सकते हैं मैथमेटिकल मेथड जो कि क्या करता है हमारे जो ओरिजिनल फीचर स्पेस होता है उसको हाइयर डायमेंशनल स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर देता है अब इस चीज़ को आप समझेंगे जब मैं यहाँ पे कर्नल का आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि कर्नल बेसिकली करता क्या है अब कर्नल बेसिकली इनेबल करता है हमारी एस वी एम को टू हैंडल नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम अब आपने देखा यहाँ पे कि जब हमारे पास लीनियर एस वी एम था तो हमने ईजीली इस क्लास को सेपरेट कर लिया और हमारी एस वी एम सक्सेसफुल हो गई बट नॉन लीनियर एस वी एम का क्या यहाँ पे हमारे चार या चार से ज़्यादा कितने भी एस के हाइपर प्लेन जनरेट होंगे बट हम क्लासीफाई नहीं कर सकते कि हमारा डेटा कौन सी क्लास से बिलोंग करता है तो वहाँ पे यूज़ होता है हमारा कर्नल अब कर्नल क्या करेगा ओरिजिनल फीचर स्पेस को हायर डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट कर देगा यानी ये जो हमारा 2D ग्राफ था इस 2D ग्राफ को वो 3D, 4D, 5D यानी कि हायर डायमेंशनल ग्राफ में कन्वर्ट कर देगा और तब हम जो है इस चीज़ को ईज़िली समझ पाएंगे कि हमारा बेसिकली कर्नल करता क्या है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है अब कर्नल क्या करेगा आपकी नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को हैंडल करेगा लीनियर एस क्या करता था आपके लीनियर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को ईजिली हैंडल करता था और एक्यूरेटली हैंडल करता था बट नॉन लीनियर को भी तो हमें हैंडल करना है तो जो नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है उसको जो है हमारा कर्नल फंक्शन हेल्प करता है एस के अंदर जिससे जो है हम क्या करते हैं जो हमारी डिसीजन बाउंड्री होती है यानी कि हाइपर प्लेन होता है उसको हम फीचर स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अब आप देखेंगे जो हमारा इनपुट स्पेस है यहाँ पे ये कुछ उसी तरीके का डायग्राम है जैसा अभी हमने नॉन लीनियर के अंदर देखा था इसके अंदर क्या है डेटा पॉइंट्स आपके लीनियरली सेपरेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे इस टू ग्राफ को थ्री ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे और थ्री ग्राफ को कन्वर्ट करेगा हमारा कर्नल फंक्शन तो इसलिए कर्नल की इम्पोर्टेंस है अब आपके माइंड में विजुलाइज इजीली हो गया कि ये जो हमारा एक टू प्लेन हम देख पा रहे हैं पिंक कलर का ये हमारा क्या कर रहा है हमारी क्लासेस को डिफ्रेंशिएट कर रहा है हमारी क्लासेस को सेग्रीगेट कर रहा है तो इसलिए हमें कर्नल की नीड है इसलिए हमारा कर्नल इम्पोर्टेंट बन जाता है सो ओवरऑल कर्नल आपका एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि ओरिजिनल फीचर स्पेस ओरिजिनल फीचर स्पेस जैसे कि अभी हमारा यहाँ पे 2D था तो 2D स्पेस को जो 3D स्पेस में या फिर हाइयर डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट कर देगा वो करता है हमारा कर्नल और कर्नल की इम्पोर्टेंस इसलिए है बिकॉज हमें नॉन लीनियर क्लासीफिकेशन प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करना है अब सपोर्ट वेक्टर कर्नल भी कुछ टाइप के होते हैं पहला होता है लीनियर कर्नल लीनियर कर्नल हमारा जो सिंपलेस्ट कर्नल फंक्शन है जिसको हम क्या करते हैं नॉर्मल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग है जहां पे हम लीनियर डेटा को या फिर लीनियरली सेपरेबल डेटा को हम एस के थ्रू एक हाइपर प्लेन जनरेट करते तो वहाँ पे जो कर्नल यूज़ होता है उसे हम बोलेंगे लीनियर कर्नल और लीनियर कर्नल की अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो लीनियर कर्नल को जो है हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं ये आप देख सकते हैं ये हमारी नॉर्मल इमेज है हमारी एस की जहाँ पे हमारे पास एक ऐसा नॉर्मल हाइपर प्लेन जनरेट हो गया जिसको जो है हम लीनियरली सेपरेट कर सकते हैं और हमारी क्लासीफाई ईजीली हो सकती हैं हमारी क्लासेस सेकेंड कर्नल आता है हमारा पोलिनोम कर्नल अब पॉलिनोमियल कर्नल क्या करता है कुछ नई डायमेंशन ऐड कर देता है यानी कि एक स्पेसिफाइड डिग्री होती है यानी कि 2D से हम 3D में चले जाएँ यानी कि टू डायमेंशनल डिग्री से हम थ्री डायमेंशनल डिग्री में अगर स्विच करते हैं तो यानी कि जो नॉन लीनियर रिलेशनशिप हम डेवलप कर रहे हैं बिटवीन डेटा पॉइंट्स उनको अगर हमें डेवलप करना है तो वहाँ पे हम पोलिनॉमियल कर्नल का यूज़ करते हैं इस तरीके से वो काम में आता है अब आप देखेंगे ये भी हमारा उसी तरीके का टू ग्राफ है जो कि लीनियरली सेपरेबल नहीं है तो जब इस तरीके का ग्राफ जो कि लीनियरली सेपरेबल ना हो वहाँ पे पोलिनोम कर्नल का फंक्शन मेथड यूज़ में आता है और वो क्या कर देता है उस ग्राफ को 2D से 3D में कन्वर्ट कर देता है अब आप देखेंगे इसने 3D में कन्वर्ट कर दिया अब 3D में कन्वर्ट करने के बाद ये अगेन हमारा फिर से क्या बना 2D एक प्लेन बन गया टू डी प्लेन का मीनिंग है एक टू डी रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया जिसको हम बोलते हैं डिसीजन सरफेस अब ये डिसीजन सरफेस हमारी एक और ऐसी टेक्निकल टर्म है जो कि आपकी इंटरव्यूज में एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछी जाती है और अगर आपने कर्नल को एक्सप्लेन करते समय डिसीजन सरफेस का डिस्कशन नहीं किया इट मींस आपने जो है अपना इम्पैक्ट जो है वहाँ पे ख़राब कर दिया अब ये डिसीजन सरफेस क्या होता है ये वो हमारा एक प्लेन होता है जो कि हायर डायमेंशनल स्पेस में जैसे कि थ्री डायमेंशनल फोर डायमेंशनल उन हायर डायमेंशनल स्पेस में क्या करता है हमारे डेटा पॉइंट्स को हमारी क्लासेस को सेग्रीगेट करता है या फिर डिफ्रेंशिएट करता है और इसी तरह एक थर्ड इंपॉर्टेंट कर्नल जो कि एस यूज़ करता है वो है हमारा इसके अंदर गोशियन कर्नल अब गोशियन कर्नल को जो है हम एक और फंक्शन के नेम से या फिर एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है रेडियल बेसिस फंक्शन कर्नल या फिर हम इसे आर कर्नल के नाम से भी बार बार एब्रिवेट करते हैं तो जो हमारा आर बी एफ़ कर्नल है इसको हम वाइडली यूज़ करते हैं बिकॉज हमारे पास मोस्टली जब हम रियल वर्ल्ड डेटा सेट पर काम करते हैं तो वो जो हमारा डेटा सेट होता है वो नॉन लीनियर होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं गोशियन कर्नल का यूज़ करते हैं और हमारा गोशियन कर्नल क्या कर देता है हमारे डेटा पॉइंट्स को इनफाइनाइट डायमेंशनल यानी कि मल्टी डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट कर देता है और वहाँ पे जो हमारे डेटा पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं उन डेटा पॉइंट्स को जो है हम गोसियन फंक्शन की हेल्प से वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं अब इस तरीके से जो है हमारा एक नया कर्नल हमारा एक नया स्पेस हमारा एक नया 3D या फिर मैं बोल सकता हूँ इनफाइनाइट डायमेंशनल हाइयर डायमेंशनल स्पेस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल 2D या 3D ग्राफ नहीं है ये हाइयर डायमेंशनल है यानी कि मल्टीपल 3D आपके ग्राफ यहाँ पे प्लॉट होंगे जो कि हेल्प करते हैं क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए अब ये कुछ जो हमने कर्नल के फंक्शंस यूज़ किए एस के उसके हमारे कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो कि यूज़ होते हैं हमारे फीचर स्पेस को हाइयर डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट करने के लिए और इन फंक्शन के अंदर जो हमारा एक्स वन है वो हमारा डेटा पॉइंट्स है जिनको हम क्लासीफाई करना चाहते हैं और जो गामा पैरामीटर आप यहाँ पे देख रहे हैं वो बेसिकली हमारा पैरामीटर कंट्रोल फ़ीचर है जो कि हमारी हाइयर डिग्री में कन्वर्ट करने में यूज़फुल होता है यानी कि अगर हमें टू से थ्री में स्विच करना है तो गामा की वैल्यू कुछ अलग होगी टू से फोर में स्विच करना है तो गामा की वैल्यू कुछ अलग होगी तो बेसिकली गामा हमारा क्या है एक पैरामीटर कंट्रोल फ़ीचर है अब नॉर्मल टू डायमेंशनल में क्या होता है हमारा हाइपर प्लेन जनरेट होता है बट हाइयर डायमेंशनल स्पेस में हमारा क्या होता है डिसीजन सरफेस जनरेट होता है तो डिसीजन सरफेस और हाइपर प्लेन आप कॉमन या फिर मैं बोल सकता हूँ एक नॉर्मल टर्म समझ सकते हैं इन्हें बट एक्चुअली में हाइपर प्लेन टू डी ग्राफ में जनरेट होगा और डिसीजन सरफेस हमारा थ्री डी ग्राफ में जनरेट होगा तो हाइपर प्लेन है क्या बेसिकली बेसिकली आपका डिसीजन बाउंड्री है यानी कि बेस्ट फिट लाइन है जो कि क्लासेस को या फिर ग्रुप्स को डिफ्रेंशिएट करती है और हमें जो है हमारे डेटा पॉइंट्स को क्लासीफाई करने में हेल्प करती है अब हाइपर प्लेन जो है ये बेसिकली आपका सब स्पेस होता है जो कि वन लेस डायमेंशन देन द फीचर स्पेस हमारा रिप्रेजेंट होता है यानी कि अगर हम टू डायमेंशनल ग्राफ अगर हमने प्लॉट किया तो वहां पे हमारा हाइपर प्लेन क्या होगा एक हाइपर प्लेन जनरेट होगा यानी कि अगर टू डी ग्राफ है तो एक हाइपर प्लेन जनरेट होगा और अगर थ्री डी ग्राफ है यानी कि किसी डेटा सेट के अंदर तीन फीचर्स हैं तीन क्लासेस हैं तो यानी कि वहां पे हमारे दो हाइपर प्लेन जनरेट होंगे यानी कि टू डी प्लेन जनरेट होगा जिसे हम बोलते हैं डिसीजन सरफेस तो इस तरीके से हमारा हाइपर प्लेन जो है क्रिएट होता है और मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हमारी एस वी एम एल्गोरिदम का मोटो है हमारा गोल है कि जो हम हाइपर प्लेन जनरेट करेंगे वो हमारा मैक्सिमम मार्जिन का होगा वो मैक्सिमम मार्जिन का मीनिंग है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स यानी कि पॉजिटिव हाइपर प्लेन और नेगेटिव हाइपर प्लेन उन दोनों के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे मैक्सिमम मार्जिन अब एस की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है बट कुछ पॉपुलर प्रॉपर्टीज़ जो कि हर जगह यूज़ की जाती है या फिर एक्सप्लेन की जाती हैं वो जो है हमने यहाँ पे आपके लिए फ्रेम की है पहली है मैक्सिमम मार्जिन अभी मैंने डिस्कस किया हाइपर प्लेन के अंदर कि एस के अंदर हम जो भी हाइपर प्लेन जनरेट करते हैं वो मैक्सिमम मार्जिन का होना चाहिए तो मैक्सिमल मार्जिन हमारी क्या है पहली प्रॉपर्टी है एस की दूसरी है नॉन लेनियरटी विद कर्नल्स यानी कि कर्नल के जो है उसके भी हमारे पास बहुत सारे टाइप है और एज पर द डेटा एज पर द डेटा सेट रिक्वायरमेंट एज पर द नीड हम क्या करते हैं मल्टीपल कर्नल्स को यूज़ कर सकते हैं और जो हमारा एस वी एम का कर्नल है वो नॉन लीनियर डेटा के साथ भी डील कर सकता है थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है सपोर्ट वेक्टर अब एस वी एम क्या करती है जो हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं उनकी हेल्प से जो है हमारा डिसीजन बाउंड्री या फिर क्लोजेस्ट हमारा हाइपर प्लेन जनरेट करती है तो ये भी हमारी क्या है एक हमारी एस वी एम की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोर्थ आती है स्पैर सिटी का मीनिंग है अगर हमारे पास एक लार्ज डेटा सेट नहीं है और हमारे पास एक शॉर्ट डेटा सेट है तो उन कम डेटा पॉइंट्स के साथ भी जो है हम क्या कर सकते हैं हमारा हाइपर प्लेन हमारा डिसीजन सरफेस जो है यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं फिफ्थ आती है वर्सीटैलिटी हम हमारी एस वी को क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों टास्क के लिए यूज कर सकते हैं और लास्ट आता है कंट्रोल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी अब ये इकलौती ऐसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं यानी कि यूज़र कंट्रोल कर सकता है कैसे अब आपने जब देखा हमने फीचर स्पेस को हाइयर डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट किया यानी कि हमारे ग्राफ को 2D से 3D में कन्वर्ट किया 3D से 4D, 4D से अप टू इन्फाइट डायमेंशनस में जो है हमने हमारे ग्राफ को जनरेट किया तो यानी कि जो गामा फीचर की मैंने बात की थी गामा पैरामीटर की बात की थी वो क्या था हमारा हमारे डायमेंशनल स्पेस को कंट्रोल करने का एक फीचर था तो जब हम हमारे डायमेंशनल स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें टू ग्राफ चाहिए थ्री ग्राफ चाहिए फोर ग्राफ चाहिए तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल कर सकते हैं तो इसलिए ये छः हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे सपोर्ट वेक्टर मशीन की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए दैट इज़ मैक्मल मार्जिन नॉन लीनियरिटी विद कर्नल सपोर्ट वैक्टर स्पेर वर्सिटैलिटी एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंट्रोल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इसी के साथ हमारे एस वी एम की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ख़त्म बट अगर हमारे एस वी एम के इतने सारे एडवांटेजेस हैं तो साथ साथ हमारे एस वी एम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे पहला चैलेंज है हमारा स्केलेबिलिटी विद लार्ज डेटा सेट अब जब हम लार्ज डेटा सेट की बात करेंगे तो जब हम उस लार्ज डेटा सेट के डेटा पॉइंट्स को बार बार प्लॉट करेंगे हमारे हाइयर डायमेंशनल स्पेस में तो बेसिकली हमारी जो मशीन है हमारी जो एल्गोरिथम है वो क्या हो जाएगी मेमोरी इंटेंसिव हो जाएगी मेमोरी इंटेंसिव होने का मीनिंग है कि वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम करेगी और ये हमारा क्या है एक चैलेंज है तो यानी कि लार्ज स्केल डेटा सेट के साथ जो है हम एस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते लार्ज स्केल डेटा सेट का मीनिंग है यहाँ पे टेन लैख ट्वेंटी लैख रोज का अगर आपका डेटा सेट है तो उसे हम बोलेंगे लार्ज स्केल डेटा सेट सेकेंड इसकी जो चैलेंज है इश्यू है वो है हमारा लैक ऑफ प्रोबेबलिस्टिक इंटरप्रिटेशन अब आपने देखा हमारी एस क्या करती है हमारी डिसीजन बाउंड्री की हेल्प से क्लासेस को सेपरेट कर देती है और हमें क्या बता देती है एक नए डेटा आइटम के लिए कि ये हमारा डेटा आइटम इस क्लास से बिलोंग करता है बट ये हमें प्रोबेबलिस्टिक आउटपुट नहीं बताता है यानी कि यह हमें बता देगा कि हमारा जो नया डेटा पॉइंट है वो ग्रीन कलर के सर्कुलर डेटा पॉइंट की क्लास से बिलोंग करता है या फिर ब्लू कलर के डायमंड डेटा पॉइंट की क्लास से बिलोंग करता है बट हमें यह नहीं बताएगा कि वो 70 परसेंट बिलोंग करता है 80 परसेंट बिलोंग करता है यानी कि उसके 100 परसेंट चांस है या 80 परसेंट चांस है 50 परसेंट चांस है कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात कहाँ से आ गई हमारी सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर हमने बेजियन लर्निंग यानी कि बेज एल्गोरिदम जितने भी हमने डिस्कस की नेव बेस क्लासिफायर बेज ऑप्टिमल क्लासीफायर इस तरीके से जो भी बेजियन लर्निंग के एल्गोरिथम थी जहाँ पे प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके हम ये बता सकते थे ये प्रिडिक्ट कर सकते थे कि हमारी ये जो क्लास है ये 80 परसेंट इस क्लास से बिलोंग करती है 20 परसेंट इस क्लास से बिलोंग नहीं करती तो हमारा एस क्या करता है उस तरीके से हमें ये नहीं बता पाता कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कितने चांसेस है कि जो हमारा आउटपुट है इस क्लास से बिलोंग करता है थर्ड हमारा चैलेंज है इम्बैलेंस डेटा अब ये जो हमारा इम्बैलेंस डेटा कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारी एल्गोरिथम्स में कॉमन है बिकॉज अगर मान लीजिए हमारा डेटा सेट है इम्बैलेंस होने का मीनिंग है हमारा डेटा सेट जो है किसी एक क्लास के डेटा पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा फेडअप है और दूसरी क्लास कम है यानी कि मान लीजिए मेरे पास एक डेटा सेट है जो कि टेन थाउजेंड रोज़ का है और उन टेन थाउजेंड में से मेरी नाइन थाउजेंड जो रोज है वो क्लास ए को बिलोंग करती है और वन थाउजेंड रोज जो है मेरी क्लास बी को बिलोंग करती है तो बेसिकली क्या है हमारे डेटा में इनइक्वालिटी है यानी कि हमारा डेटा इम्बेलेंस है तो वहाँ पे क्या होगा हमारी एस या फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम वो बायस हो जाएगी टुवर्ड्स द मेजोरिटी क्लास और इस एग्ज़ाम्पल में जो मैंने अभी आपको बताया उसमें हमारी मेजॉरिटी क्लास क्या है क्लास ए है तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है जब भी हम कोई नया डेटा इनपुट देंगे तो हमारी मशीन हमारी एल्गोदम जो है मोस्टली हमें प्रिडिक्ट देगी कि वो क्लास ए से बिलोंग करता, करता है या फिर मेजोरिटी क्लास से बिलोंग करता है तो ये भी जो है हमारा क्या है एक चैलेंज है एक इशू है हमारी एस के अंदर लास्ट एक इसका जो हमारा इशू है वो है हमारा इंटरप्रिटेबिलिटी अब एस को जो है एक एप्लीकेशन होती है स्पैम फिल्टरिंग की या फिर स्पैम जो हमारे ईमेल्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने की अब एस को मान लीजिए हमने वहाँ पे यूज़ किया तो हमारी एस वी एम ये तो बता देगी कि ये जो हमारा ईमेल है ये स्पैम है या नहीं यानी कि ये फ्रॉड है या नहीं बट हमारी एस वी जो एल्गोरिदम है एस वी जो मशीन है वो हमें फैक्टर्स नहीं बता पाएगी यानी कि वो फीचर्स नहीं बताएगी जिनकी वजह से हम ये इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो मेल है वो स्पैम कैटेगरी से बिलोंग करता है या नहीं तो ये चार हमारे चैलेंजेस थे और इसी के साथ जो है हमारा कंप्लीट सपोर्ट वेक्टर मशीन यहाँ पे टॉपिक जो है हमारा कंप्लीटली डिस्कस हो जाता है